ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਭਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ 21ਵਾਂ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ हर कौम अपना आउण वाला कल वाचदी है जिहड़ी कौम अपना आउण वाला समा ना वाची उह कौम दुनिया दे तख्ते तों सफाया हो जांदा मिट जांदी हुण साडे नाल कुछ क दिनां दे विच विच एक दो बहुत वड्डे धक्के होए एक धक्के दी बाबत ते ज्ञानी बलदेव सिंह जी सरसा पता नहीं कदों दे रोंदे आ रहे सी ओए अपने स्कूलां जाके बच्चियां नूं झाती मारिया करो की पढ़ाया जा रहा की लिखाया जा रहा है ये मैं हर स्टेज ते बेनती करदा जे विच किते पलू है प्लस टू वाले स्टूडेंट बैठे होण मेरे वीर मेरियां भैणां मातावां उन्हां दे खास करके चरणां च बेनती हुण किवें सानू सहद दे विच जहर लपेट के दिता जा रहा है उन्हां नूं पता सी जहर सीधा दवांगे ये बंदे बुद्धिवान ने समझ जाणगे उन्हां ने सानू मिठे च लपेट के जहर देना शुरू कर दिता प्लस टू दियां कुछ किताबां ने एक किताब जिहड़ी हिंदी दे विच छपी हुई है उहदे ते जिहड़ी मोहर लगी हुई उह SGPC दी है हुण पता नहीं उह किवें छपी गई की बणिया है उह मोहर धोखे नाल लाई गई है चोरी छपी लाई गई है जां इसे प्रिंटिंग प्रैस विच छपी है ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਖੋਲੋ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ गुरु अर्जन साहब ने बदी की लाहौर जाके उन्होंने मार दिता गया शहीद शब्द ने ये तीन किताबां ने जिन्हां दे विच कूड़ भरिया पिया और उहदे तों गाड़ी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के करैक्टर के उपर उन्होंने उंगल चिकी पी उन्हां दा आचरण बड़ा गिरिया सी गुरु हरगोबिंद साहब अयाश सी मंदबुद्धि सी डाकू कोल रखदा सी इस करके उन्हें लड़ना पिया अगे होर सुनो गुरु तेग बहादुर सचे पातशाह महाराज माड़े कर्म करदा सी समय दी हकूमत ने फड़ के उहदे नाल तीन बंदे दिल्ली मार दिते हुण जदों इह कुछ साड्यां स्कूलां दे विच बच्चियां नूं पढ़ाया जाएगा उदों साडा बेड़ा गर्क क्यों नहीं होवेगा हुण जदों बच्चियां नूं इह सबजैक्ट दित्ते जाणगे पढ़न वास्ते तुसीं अपने दिल ते हाथ रख के सोचण दा यतन करो गुरु दी हजूरी विच हो मैं ते हर प्रचारक दे चरणां विच वी बेनती करदा हाथ जोड़ के भाई अज समां साडा वाचण दा आउण वाले समें नूं वाच के जे अपनी कौम बचाउणी है जे तुसीं ना रहे आ स्टेजां कित्थे रहिणगियां स्टेजां ना रहियां ते असीं कित्थे जाणा यह बेनती है जे अपना घर बचा के रखांगे अपने बच्चों नूं सुचेत करांगे मैं बेनती करदा माफ करना मैनूं 10% ओह मापे होणगे जिहड़े बच्चे दी आए वी काए दी किताब खोल के वेखदे होणगे वेंदे होणगे वी इहनूं की पढ़ाया जा रहा है 90% मापे ट्यूशन तक ही रह गए ने घरां दे विच शायद किते अपने बच्चे दी किताब खोल के वेखी होगी यह मेरी बेनती है अज तो ही गुरु के चरणों में प्रण करके जायो कि जेड़े जेड़े सब्जेक्ट साडे बच्चे नूं लगणगे स्कूल विच उहनूं पहलों आप असीं आप वाचांगे जे असीं घट पढ़े अपने बच्चे दीआं किताबां लैके किसे पिंड दे पढ़े लिखे व्यक्ति किसे धी दे कोल किसे नौजवान मुंडे दे कोल जावांगे भैया दस पी साडे बच्चे नूं वाकया किते जहर ते नहीं दित्ता जा रहा इहो जी गल है ते कमेंट करो जाके स्कूल दे उपर ये कुछ नहीं साडिया बच्चों ने पढ़ना सतगुरु सचे पातशाह महाराज कृपा करन इस पासे मैं बहुत ना वावा एक मेरा सज्जन मैनू मिलिया मैं इतना गल करके स्टेज तो उतरिया मैनू कहिंदा वीर जी इह ते गल ही बहुत छोटी है बहुत कुछ हो रहा मैं क्या की कहिंदा साडे पिंड दी गल है एक कहिंदा भी ईसाइयां दा स्कूल है कमरे दे विच उहनां दा एक बंदा भूत बन के आउंदा है नकली नकाब पा के
ਉਹਦਾ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਵੇਖਿਓ ਭਲਾ ਭੂਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਗਾੜੀ ਕਰ ਦਿਓ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਗਾੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਸਲੀਬ ਗਾੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਡਾਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਡਰਦੇ। ਕਿੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਚ ਵੱਟੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਗਮ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।